जब से कोरोना संक्रमण वापस लौटने की खबर आ रही है, सोलन के लोग बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुखद बात ये भी है कि कोरोना वैक्सीन भी अब आम जनता को लगाने आरंभ कर दी गई है, जिसके तहत पहले वरिष्ठ नागरिकों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। ये प्रक्रिया सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में आरंभ हो चुकी है, जहां एक और फ्रंटलाइन वर्कर में खासा उत्साह देखा गया। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों में इस वैक्सीन को लेकर काफी उत्सुकता दिखी। सोलन के अस्पताल में लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कोरोना वैक्सीन लगाने आए एक वरिष्ठ नागरिक अमरनाथ बंसल ने बताया कि वे बेहद खुश हैं कि आज उन्हें वैक्सीन लगी है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन लगाने के बाद बेहद स्वस्थ है और उन्हें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने में लगे हैं, लेकिन वे केवल झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन देकर बेहद अच्छा काम किया है, इसलिए वे उनका इस कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। आज मुझे सवेरे से ही बहुत खुशी हो रही थी कि आज वैक्सीन का पहला दिन है सीनियर सिटीजन के लिए। मैं आज सुबह से ही मोदी जी को टीवी पर देख के बहुत खुश हुआ कि हमारे देश के मालिक प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाइए 6:30 बजे सुबह उठ के। और मैं भी उसी टाइम अपने लड़के इस बच्चे से बोला भी चलो मैं भी चलता हूँ हॉस्पिटल वैक्सीन लगाएंगे। और बहुत अच्छा लगा, पहली बार वैक्सीन लगाई है और बिल्कुल नई भय से, बिल्कुल कोई डर नहीं किसी बात का। 1 सेकंड लगी है, कोई टाइम नहीं लगा। बहुत खुश हूँ, मैं इस टाइम वैक्सीन लगा चुका हूँ और बहुत ठीक ठाक हूँ। बाजार में बहुत फाइन उड़ाई जा रही थी पहले अब पश्चिम वालों की तरफ से भी और बाजार में भी कि वैक्सीन होने से बुखार हो जाएगा, बुखार ऐसा होता है ऐसा होता है। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल भी वैक्सीन लगाने से बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। बहुत ठीक अपना, बहुत ठीक महसूस समझ रहा हूँ मैं।